स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की फिल्म होने वाली है द हनीमून एक्सप्रेस, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 8.5 की कमाल की रेटिंग मिली है। और इसे नेट पर ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है सोनाली और ईशान से, दोनों ही हस्बैंड वाइफ है। जब वो कहीं से वापस आ रहे थे तो कार में बज रहे अपने फेवरेट सॉन्ग को सोनाली गुनगुना रही थी, लेकिन तभी ईशान सॉन्ग चेंज कर देता है, जिससे कि सोनाली को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे म्यूजिक सिस्टम को ही तोड़ देती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि सोनाली और ईशान के रिश्ते थोड़े ठीक नहीं हैं। ईशान सोनाली को अपने शादी से पहले वाले दिन याद कराता है। वो कहता है कि जब हम पहले मिले थे तब कितने अच्छे थे। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में पहुंचती है, जब ईशान कहीं पर जा रहा होता है और सोनाली भी तेज रफ्तार से साइकिल से आ रही होती है। अचानक से सोनाली का इसी साइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ ईशान उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। यहीं से तो उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे थे। सोनाली को ईशान काफी अच्छा लगा था क्योंकि वो काफी हेल्पिंग नेचर का था और वो काफी शांत भी रहता है। ईशान सोनाली को काफी कम्फर्टेबल फील कराता था और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि अब तो वो शादी कर लेंगे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। तो अपनी शादी की फर्स्ट नाइट को वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि रिश्तेदारों के बच्चे उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे, जिस वजह से उनके बीच कुछ भी नहीं हो पा रहा था और यहीं से उनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो चुकी थी। दोनों का झगड़ा यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो शादी के बाद वो अपनी रोमांटिक लाइफ से दूर हो चुके थे, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर उन्हें कुछ ऐसे सॉल्यूशन बता रहा था जो देखकर ईशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल में वो डॉक्टर उन दोनों को कुछ अश्लील हरकतें करने को बोल रहा था, जो देखकर ईशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपनी वाइफ सोनाली को लेकर यहाँ से चला जाता है। और ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, और ये लोग झगड़ा कर रहे थे। वो जब यहाँ से बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ती है बाइक पर एक बूढ़े कपल की, जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये देखने के बाद ईशान को उन पर गुस्सा आ रहा था और वो बूढ़ा आदमी इनके साथ रेस लगाने लगा था। ईशान भी उनके साथ रेस लगाने लगता है, लेकिन आगे जाकर उस बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से बूढ़े अंकल की वाइफ सोनाली से कहती है कि हमें इन्हें मुंह से सांस देनी पड़ेगी, लेकिन सोनाली ने तो साफ मना कर दिया था। तब वो ईशान से कहते हैं कि तुम सांस दोगे, लेकिन तभी यहाँ पर उस बूढ़े अंकल की आंख खुल चुकी थी और हमें मालूम चलता है कि वो बूढ़ा आदमी तो सिर्फ यहाँ पर नाटक कर रहा था अपनी वाइफ से शर्त के कारण, और बाद में वो यहाँ से खुशी खुशी इंजॉय करते निकल जाते हैं। उन दोनों को देखते हुए सोनाली को बहुत ही अच्छा लगा था। वो अपने पति ईशान से कहती है कि इतने सालों के बाद भी वो दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए अब हम डॉक्टर के पास नहीं बल्कि इनके पास जाकर अपनी लाइफ के सॉल्यूशन को पूछेंगे। अगले दिन ईशान और सोनाली बूढ़े अंकल आंटी के घर पहुंच जाते हैं। सोनाली यहाँ पर अंकल आंटी के सामने बताती है कि उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी रोमांटिक लाइफ जो है अब वो एक दुखद लाइफ बन चुकी है। अंकल आंटी कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, हम आपको एक ऐसे पैकेज के बारे में बताएंगे कि आप हमारी तरह लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे। ईशान को उनकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो यहाँ सोनाली से झगड़ने वाला था। सोनाली कहती है कि वैसे भी तो हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो चलो इनकी बात ही मान लेते हैं। वो बूढ़े अंकल आंटी यहाँ पर इन दोनों को एक 7 डेज का हनीमून पैकेज देते हैं, जिसे वो लोग हनीमून एक्सप्रेस कहते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ से लौटने के बाद तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और तुम्हारी लाइफ रोमांटिक लाइफ में बदल जाएगी। तो अगले दिन ईशान और सोनाली उनके बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। वो दरअसल में एक खूबसूरत घर था और वो बहुत ही बड़ा घर होता है। वो जैसे ही घर में घुसते हैं तो ईशान कहता है कि उसे तो लगा था कि ये लोग देश विदेश भेजेंगे, लेकिन ये तो एक घर है, यहाँ पर हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स आखिर कैसे ठीक होंगे। सोनाली कहती है कि उन लोगों ने अगर हमें भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। अब अगले दिन की जब सुबह होती है तो यहाँ हमें एक थेरेपी रूम दिखाई पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं के घर से थोड़ी दूरी पर 2 थेरेपी रूम है, जिसमें एक रूम में सिर्फ औरत जा सकती है तो एक रूम में सिर्फ आदमी। तो आदमी वाले रूम में यहाँ ईशान पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही सोनाली मौजूद थी और वो उसे डराने की कोशिश भी करती, और वो कहीं ना
कहीं कामयाब भी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ ईशान पूरी तरह से डर चुका था। बाद में वो उसे रिलैक्स करती और उससे अच्छे से बात करने लगती है। ईशान को उसकी बातें काफी पसंद आ रही थी, जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है और इतना अच्छा खाना सोनाली ने पहली बार बनाया था, जो देखकर ईशान को बहुत ही अच्छा लगा था। और ईशान को तो ऐसा लगने लगा था कि ये जैसे पहले ही दिन उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें घर चले जाना चाहिए। तो अब थेरेपी रूम से निकलने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो वो किचन में यहाँ सोनाली को देखता है। उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान था कि आखिर सोनाली मुझसे पहले इस घर में कैसे पहुंची। जैसे तैसे वो उसके पास पहुंचा तो वो देखता है कि सोनाली खाना बना रही थी और वो काफी गुस्से में भी थी, क्योंकि बहुत देर से ईशान कहीं पर गायब था और सोनाली अकेले ही खाना बना रही थी। लेकिन तभी अचानक से ईशान का हाथ लग जाने की वजह से सारा खाना जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर सोनाली को बहुत बुरा लगता है। वो ईशान से कहती है कि वो सुबह से भूखी थी और अब वो क्या खाएगी। यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और सोनाली गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। ईशान उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन सोनाली कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, बाद में वो यहाँ से चला जाता है। तो सोनाली यहाँ पर उदास होकर सो जाती है और अपने पुराने मोमेंट्स को याद करने लगती है जब वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। तभी अचानक से उनके घर पर रवि आया था और ये रवि कोई और नहीं बल्कि सोनाली का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसे देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा था, इसलिए वो यहाँ से चली गई थी। तब मालूम चला कि रवि यहाँ पर उनके घर पर एक पैकेज डिलीवर करने के लिए आया था और उसे मालूम नहीं था कि ये सोनाली का घर है। अब रात को जब सोनाली और ईशान सो रहे थे तब सोनाली ने यहाँ ईशान को बताया भी था कि आज जो पैकेज डिलीवर करने के लिए लड़का आया था वो रवि था और वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था, पर तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताने से मना किया था इसलिए उसने कुछ नहीं बताया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ सोनाली की नींद खुल जाती है और वो यहाँ थेरेपी रूम में चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि ईशान उसके लिए खाना बना रहा है। ये देखकर उसे थोड़ा अच्छा तो लगा था लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो ईशान से कहती है कि मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। और यहाँ सोनाली वापस से अपने घर चली जाती है। वहां वो पहुंचती है तो वो देखती है कि ईशान तो सोफे पर सो रहा है। ये देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो ईशान थेरेपी रूम में उसे मिला था। उसे ऐसा लगा कि शायद खुश करने के चक्कर में वो ये सब कुछ कर रहा है और वो ये सब कुछ नाटक कर रहा है, इसलिए सोनाली वापस से थेरेपी रूम में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि शायद अब यहाँ पर ईशान नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन अगले ही पल ईशान यहाँ पर पहुंच चुका था। अब सोनाली थेरेपी रूम से बाहर आ जाती है। उसे ऐसा लगा कि अब ईशान दौड़कर घर में जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो फिर से थेरेपी रूम के अंदर जाती है, लेकिन तभी पीछे से यहाँ ईशान ने उसे हक कर लिया था। ये देखने के बाद तो अब सोनाली पूरी तरह से डर चुकी थी। वो भागते हुए अपने घर पहुंचती है जहाँ पर वो देखती है कि ईशान अभी भी सोफे पर सो रहा है। ये उसे काफी अजीब लगा था, इसलिए वो ईशान को जगाने की कोशिश करती है लेकिन ईशान तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था, इसलिए वो उसके ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। अगले दिन की जब सुबह होती है तो सोनाली वापस से थेरेपी रूम में पहुंचती है जहां पर कि उसे ईशान फिर से दिखाई पड़ता। यहां ईशान से वो कहती है कि आखिर तुम कल रात कहां थे और आखिर तुम मेरे साथ ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो। ईशान उसे कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि वो तो अपनी बातों से सोनाली को इम्प्रेस कर देता है, जो देखकर सोनाली को भी बहुत ही अच्छा लगा था। और यहां एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है और मालूम चला कि थेरेपी रूम में इन दोनों के ही डुप्लीकेट है और ये दोनों ही उन्हीं डुप्लीकेट के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये बात जब असली ईशान और सोनाली को मालूम चली तो वो तो भैया तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। वो पल भर भी यहाँ नहीं रुकना चाहते, उन्हें तो ऐसा लगा कि शायद जीते जी उनके भूत आ गए हैं। वो कार लेकर जाने लगते हैं लेकिन गेट का पासपोर्ट नहीं पता होने के कारण वो यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, इसलिए अब उन्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। और अब दोनों ही वो थेरेपी रूम में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये औरत वाला थेरेपी रूम था इसलिए इसके अंदर ईशान नहीं जा पाता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोनाली ही जा पाती है। दूसरी तरफ ईशान भी उस आदमी वाले थेरेपी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर कि उसे फिर से डुप्लीकेट सोनाली दिखाई पड़ती है। वो समझ चुका था कि ये डुप्लीकेट है और उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये भूत भी है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सोनाली तो रोने लगी है, शायद वो अपसेट हो चुकी है।
इसलिए वो वापस जाता है और उसे चुप कराने लगता है। और बाद में वो एक दूसरे से काफी अच्छे से बात भी करने लगे थे। अब रियल ईशान और रियल सोनाली जब अपने घर पहुंचे तो वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सोनाली बताती है कि डुप्लीकेट ईशान तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और यहाँ ईशान बताता है कि डुप्लीकेट सोनाली भी उसका बहुत ख्याल रखती है। वो अपने दिन भर के रूटीन बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, और बाद में अब वो डिसाइड करते हैं कि कुछ ही दिन तो बचे हैं और उनका पैकेज भी खत्म होने वाला है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या हमें उन्हीं के साथ कुछ दिन बिताना चाहिए, जिस पर कि दोनों ने हाँ बोल दिया था। लेकिन सोनाली को डुप्लीकेट ईशान काफी ज्यादा पसंद आ चुका था और ये सारी चीजें रियल ईशान नोटिस कर रहा था। रात को भी उसे डुप्लीकेट ईशान के सपने आ रहे थे, जो ईशान भी इन्हें साफ साफ सुन पा रहा था, और अब उसे जलन होने लगी थी। इसलिए अगले दिन की जब सुबह होती है तो वो डुप्लीकेट ईशान की तरह ही यहाँ सोनाली का ख्याल रखने लगता है। लेकिन कॉफी इतनी ज्यादा बकवास थी कि उसके सामने तो जहर भी फैल है। बाद में रियल ईशान खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी वो पूरी तरह से असफल था। सोनाली समझ चुकी थी कि ईशान डुप्लीकेट ईशान बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि 2-3 दिन नहीं बचे हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और उन डुप्लीकेट्स की लाइफस्टाइल को देखकर हम हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालेंगे, जिस पर कि दोनों ही हाँ बोलते हैं। अब यहाँ रियल ईशान डुप्लीकेट सोनाली के पास पहुँचता है, और आज डुप्लीकेट सोनाली ने उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश किया था, जो कि उसके लिए सरप्राइज था। ये देखकर यहाँ ईशान को बहुत ही अच्छा लगा था। वो अपने फ्लैशबैक का सीन याद करता है जब वो सोनाली को भी इसी तरह से हैप्पी एनिवर्सरी विश करने के लिए गया था, लेकिन तब तक सोनाली तो सो चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ रियल सोनाली को भी डुप्लीकेट ईशान हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है और उसे भी केक देकर सरप्राइज देता है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन एक और चीज, ये डुप्लीकेट्स इनके पास्ट के राज भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर डुप्लीकेट ईशान रियल सोनाली को बताता है कि मैं रवि का पीछा किया करता था, जब से तुमने बताया था कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है तब से वो उसका पीछा करने लगा था। ये बात जब रियल सोनाली को मालूम चली तो वो जब अपने घर पहुंची तो वो रियल ईशान से इसके बारे में बात करती है। वो कहती है कि आखिर तुम रवि का पीछा क्यों करते थे। दरअसल में यहाँ ईशान रवि को जानना चाह रहा था कि वो अच्छा बंदा था या फिर नहीं। लेकिन ईशान यहाँ पर सोनाली से कहता है कि ये लोग हमारे राज भी जानते हैं, इसलिए हमें इनसे राज नहीं पूछना चाहिए, वरना और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, जिस पर कि दोनों ही एग्री करते हैं। लेकिन अगले दिन थेरेपी रूम में जाकर रियल ईशान डुप्लीकेट सोनाली से यहाँ रवि और सोनाली के ब्रेकअप के बारे में पूछ लेता है कि आखिर इनका ब्रेकअप कैसे हुआ था। डुप्लीकेट सोनाली यहाँ ईशान को सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि रवि उसे टाइम नहीं दिया करता था और ये हमेशा का हो चुका था, और इस बात से तंग आकर एक दिन उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया था, और उसी दिन वो फुल रफ्तार से साइकिल से कहीं जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब तुम ही तो मेरे पास हेल्प करने के लिए पहुंचे थे, और फिर तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो रियल ईशान एक बात सोचता है। वो समझ चुका था कि रियल सोनाली को सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए है और उसका साथ भी। इसलिए जब वो अगली सुबह उठता है तो वो थेरेपी रूम के बाहर ऐसे वर्ताव करता जैसे डुप्लीकेट बाला बाहर आ चुका हो और वो अभी अभी सोकर उठा हो। इसलिए वो सोनाली से कहता है कि मैं पहली बार यहाँ से बाहर निकला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। सोनाली को उसके ऊपर डाउट हो रहा था, लेकिन फिर बाद में वो दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही रियल थे, लेकिन सोनाली को ऐसा लग रहा था कि वो डुप्लीकेट है। वहां वो दोनों ही खूब इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात भी यहीं बिताते हैं और यहीं पर वो इंटीमेट भी हो चुके थे। जब सोनाली घर वापस आई तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो डुप्लीकेट ईशान के साथ इंटीमेट हुई है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। वो ईशान से कहती है कि अब तो वो पल भर भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहती है, अब हमें यहाँ से घर जाना होगा। सारी पैकिंग करने के बाद जब वो यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, और हमें मालूम चलता है कि ये बूढ़े अंकल और आंटी होते हैं। वो ईशान और सोनाली से कहते हैं कि जब तक तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। ये सुनने के बाद सोनाली और ईशान कहते हैं कि अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और अब उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंकल आंटी कहते हैं कि ये तो तुम्हारे बीच में दिख भी नहीं रहा है, और जब तुम्हारे बीच में रियल केमिस्ट्री जाग जाएगी तो ये दरवाजा अपने आप खुल भी जाएगा। तब तक तुम्हें इन डुप्लीकेट्स के साथ अब थेरेपी रूम में नहीं बल्कि इसी रूम में रहना होगा।
तब जादू से वो लोग इसी रूम में आ जाते हैं और इतना बोलने के बाद वो बूढ़े अंकल आंटी यहाँ से चले जाते हैं और अब इन लोगों को उन डुप्लीकेट्स के साथ यहाँ पर रहना था। तब यहाँ रियल ईशान देखता है कि डुप्लीकेट ईशान और रियल सोनाली के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, इसलिए रात को वो सोनाली के पास जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो और डुप्लीकेट ईशान के साथ ही रहने लगो। ये सुनने के बाद सोनाली कहती है कि डुप्लीकेट ईशान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही बितानी है। अब गेट तो नहीं खुल पा रहा था, इसलिए वो लोग कपड़े से रस्सी बनाकर छत से नीचे आ जाते हैं और जब वो यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है उन बूढ़े अंकल आंटी पर। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, जब तक तुम्हारे बीच की केमिस्ट्री नहीं जागेगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ सोनाली और ईशान को तो जाना ही था, इसलिए उनके बीच में एक सॉलिड टक्कर हो जाती है और बाद में हमें मालूम चलता है कि अब ईशान की आँख खुल चुकी थी और हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो दरअसल में ईशान का एक सपना था। लेकिन सपने में जो कुछ भी हुआ ईशान को वो सब कुछ रियल लगा था, उसे समझ आ चुका था कि उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसे सपने का सब कुछ याद था। इसलिए वो अपनी वाइफ मतलब कि सोनाली की एक तस्वीर निकालता है और दीवार से अपनी फोटो निकाल कर वो यहाँ सोनाली की तस्वीर लगा देता है। दूर से सोनाली भी ये सब कुछ देख रही थी, उसे भी बड़ा अच्छा लगा था। और फिर ईशान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, धीरे धीरे करके यहाँ सोनाली भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगी थी और उनके बीच की सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो चुकी थी, वो भी सिर्फ एक सपने की वजह से। वो सपना था द हनीमून एक्सप्रेस का। तो दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दीजिएगा ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।